आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। पीएम मोदी की अपील, दो गरीब बेटियों के स्किल डेवलपमेंट की उठाए जिम्मेदारी, बनारस के विकास पर भी कही बड़ी बात। सेना ने लश्कर कमांडर अबू जरार को किया ढेर, 11 अक्टूबर को सेना के काफिले पर किया था हमला। एसआईटी ने लखीमपुर कांड को बताया साजिश, राहुल बोले मोदी जी फिर से माफी मांगने का टाइम आ गया। अखिलेश यादव के बयान पर भड़के अनुराग ठाकुर, कहा उन्हें बोलने से पहले दो बार सोचना चाहिए। चारधाम रोड की चौड़ाई बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी, कहा देश की रक्षा जरूरतों के मुताबिक है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मी श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। लखीमपुर में त्रिकोणिया कांड मामले में एसआईटी ने खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि गैर इरादतन हत्या नहीं, प्लानिंग कर घटना को अंजाम दिया गया है। सीजीएम कोर्ट में धारा तारवीन करने अर्जी दी गई और जहां एसआईटी के खुलासे से आशीष मिश्रा समेत 13 अभियुक्तों की मुसीबतें बढ़ गई। 3 अक्टूबर को तिकोनिया हिंसा में आरोपी समेत 13 लोगों पर मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। वहीं सीजीएम कोर्ट में इस मामले पर निर्णय होगा। सभी 13 आरोपी भी कोर्ट में तलब किए गए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता धीरज फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो धीरज, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, आखिर क्या है पूरा मामला? देखिए, बिल्कुल बता दूं, लखीमपुर खीर में जो तिकोनिया कांड मामला है, ये काफी पहले से गरम गरम चल रहा है, लेकिन बीच आज फिर एक तिकोनिया कांड ने एक नया मोड़ लिया है। जो एसआईटी जो गठित टीम है, एसआईटी टीम ने जो आज सीजीएम में जो पेश किया है, उन्होंने साफ तौर से बताया है कि जो ये घटना है, ये घटना नहीं, बिल्कुल प्लानिंग के प्लानिंग करके घटना को अंजाम दिया गया है। सीजीएम कोर्ट में धारा तरमीम करने की अर्जी भी लगाई है एसआईटी ने। खुलासा गया केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के जो पुत्र आशीष मिश्रा सहित 13 अभियुक्त, जो उनकी मुसीबतें और भी एसआईटी ने बढ़ा दी है। 3 अक्टूबर की जो घटना हुई थी, उसके बाद में जो मुकदमा अपराध संख्या है 219/21 की, जो उसके बाद में जो आज सुप्रीम कोर्ट में जो इस मामले का निर्णय होना था, उसमें पेश किया गया है, जिसमें कई अन्य बड़ी धाराएं जो है एसआईटी ने अनुरोध किया है बढ़ाने के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया धीरज हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। फरुखाबाद के शहर कोतवाली मोहल्ला आवास विकास के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिला अस्पताल में 20 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार 5वें दिन भी डिप्लोमा फार्मासिस्ट का धरना प्रदर्शन जारी रहा, जबकि बीते दिनों भी फार्मासिस्ट ने एक दिवसीय कार्य बहिष्कार करके सीएमओ कार्यालय पर धरना दिया था। इस दौरान डिप्लोमा फार्मासिस्ट ने कहा था कि मांगे पूरी नहीं होने पर 17 दिसम्बर से कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। आगरा में नाले के निर्माण की मांगे को लेकर धनौली की जनता ने जिला मुख्यालय घेर लिया और ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। आंदोलनकारियों ने सांसद राजकुमार चाहर और विधायक हेमलता दिवाकर के खिलाफ खूब नारेबाजी की। आंदोलनकारियों ने सांसद राजकुमार चाहर मुर्दाबाद के नारे लगाए। जिला प्रशासन के कई बार लिखित आश्वासन देने के बाद भी कोई काम आगे नहीं बढ़ेगा। महासेव का साल विचार, किस समस्याओं को लेकर यहाँ आए हैं? समस्या हमारे सिरौली रोड के दोनों तरफ नाले हों और रोड हो। क्या आश्वासन आया तो क्या? अभी हमारा कोई किसी से बात नहीं हुई है। आश्वासन हमें 17 तारीख को हम डीएम साहब ने बुलाए थे, जिलाधिकारी महोदय ने, और एक जिम्मेदार पद में वो जिले को संभाल रहे हैं, उन्होंने कहा था कि 10 दिन में टेंडर हो जाएगा और 20 दिन में काम लग जाएगा। ये 17 अक्टूबर की बात है, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी अभी कुछ नहीं हुआ है। 1 नवंबर को भूमि समाधि लेने की कोशिश करी मैं, 5 घंटे उसमें रही। तहसीलदार सीओ अचनेरा महेश कुमार ये मौके पे गए और लिखित में दे के आए कि 20 दिन में काम लग जाएगा, लेकिन वो भी 20 दिन निकल गए। 3 महीना पूरे को होने जा रहे हैं, इनकी क्या मजबूरी है? विकास की गंगा बहा रहे हैं कागजों में, अखबारों में, स्मार्ट सिटी, तो ये जनता, क्षेत्र की जनता आज आई है ये यही देखना चाह रही है कैसी स्मार्ट सिटी है। और जो कि एक बीजेपी की हमारी 90 ग्रामीण से जो विधायक आ जी हैं हेमलता दिवाकर भाजपा से,
वो कह रही हैं कि कुछ अंत से फंडिंग हो रही है इस धरने को चलाने के लिए। और मेरे बारे में भी बोला गया कि जो समाधि ले रही हैं लेती रहे कोई भी महिला, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं उनकी भारी निंदा करती हूँ कि एक जिम्मेदार सरकार का हिस्सा होते हुए और वो अपने भार को ढंग से नहीं संवार पाएंगे। वैसे भी अब उनका कार्यकाल तो पूरा हो ही गया और जनता में जोश है, रोष है उनके खिलाफ। जब क्षेत्र में नहीं जाएंगी, जनता के बीच नहीं जाएंगी, 5 साल गुजर गए, कहाँ गए मलाई चाटने में, अपने घर बनाने में। तो अब जनता आगामी विधानसभा चुनाव में अभी कुछ महीने ही बाकी हैं, जहां मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों में जुटा है। फतेहपुर में प्रशासन लगातार गांवों और विद्यालयों में जाकर छात्र छात्राओं और ग्रामीणों को जागरूक कर रहे हैं। इसी क्रम में जनता इंटर कॉलेज छिवलवा में कानून गो और लेखपाल ने पहुंचकर छात्र छात्राओं को वोटिंग मशीन संबंधी टिप्स भी दिए। ब्लॉक स्तरीय बच्चों के प्राथमिक वर्ग और जूनियर वर्ग यहाँ आयोजित लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज में आयोजित की गई है। इसके बाद जनपद पर जब मिले भी जाएंगे। सारी एथलेटिक इवेंट्स हैं और कबड्डी, खो खो, योगा, अंताक्षरी और ऊँची कूद, लंबी कूद और गोला तस्तरी, ये इवेंट्स यहाँ रखे गए हैं। कुश्ती, ये इवेंट्स रखे गए हैं, उनका आयोजन यहाँ पे ग्राउंड में। लगभग कितने स्कूलों के छात्रों के द्वारा इसमें हिस्सा लिया गया है? यहाँ पर करीब 625। जयपुर खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए सरकार की तरफ से तमाम तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। साथ ही खिलाड़ियों के मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें लगातार सम्मानित किया जा रहा है। लेकिन जमीनी स्तर की अगर बात कही जाए तो जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों के लिए कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही। आलम यह है कि सरकारी स्कूल के बच्चों के खर्चों के लिए ब्लॉक स्तर से महज 22 रुपए दिए जा रहे हैं और इसी पैसों में भी कोई प्रतियोगिता सम्पन्न नहीं हो सकती। ऐसे में कुछ शिक्षकों ने अपने जेब खर्चों से पैसे इकट्ठा करके प्रतियोगिताएं कराई, जिसमें अपने स्कूलों की प्रतिभाओं को निखारने का मौका मिल सके, साथ ही देश का मनोबल बढ़ सके और खिलाड़ियों का प्रदर्शन देश को गौरवान्वित कर सके। आज आपका प्रधानमंत्री एक संगठन को इलाके में ऐसे घूम रहा था कि सबसे पुराना पुजारी संगठन सन 1925 से लेकर अभी तक काम करते चला आ रहा है। बहुत से काम हुए हो ना हुए हो, काम होते रहेंगे। हमारे मिशन को पूरा करने में देवरिया राजकीय इंटर कॉलेज के खेल मैदान में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव समारोह में अमर शहीदों को नमन किया गया और भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक पुष्पेंद्र कुलशेष ने कहा कि अब समय आ गया है कि देश के सभी राष्ट्रभक्त को एकजुट होकर देश हित में अपना योगदान देना चाहिए, क्योंकि जब देश सुरक्षित रहेगा तभी देश का हर तबका अपने उद्देश्य में कायम होगा। प्रतापगढ़ में बहुजन समाज पार्टी विधानसभा क्षेत्र के सदर का एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ और इस नगर में शगुन मैरिज हॉल में डॉक्टर जगन्नाथ पाल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित पूर्व प्रधान परिषद सदस्य और मुख्य सेक्टर प्रभारी प्रयागराज मंडल डॉक्टर विजय प्रताप ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में छात्र, नौजवान, किसान, व्यापारी सभी वर्ग के लोग परेशान हैं। महंगाई चरम सीमा पर है और खाद्यान्न की वस्तुएं, दलहन तिलहन के मूल्यों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। रसोई गैस का सिलेंडर 1000 रुपए से अधिक हो गया है और डीजल के पेट्रोल के दामों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के निर्देश पर विधानसभा क्षेत्र के 248 सदर से चुनाव लड़ने के लिए नगर निवासी आशुतोष त्रिपाठी को प्रभारी प्रत्याशी घोषित किया गया है। ताजनगरी आगरा में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं, जहां एसडीएम के आदेश होने के बावजूद भी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। पीड़ित परिवार ने सोशल मीडिया के जरिए गुहार लगाते हुए चेतावनी दी है। इलाके के लोगों का कहना है कि भूमाफियाओं मासूम लोगों की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं और उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। वहीं पीड़ित परिवार को शिकायत के बाद भी न्याय नहीं मिल रहा है और जानकारी मिल रही है कि दबंग 12 से 15 लोगों को भेजकर पीड़ितों को धमकी देते हैं।
सिद्धार्थनगर डुमरियागंज के बदला चौराहा बासी रोड पर कैलाश चंद्र त्रिपाठी की दुकान पतंजलि स्टोर पर चोर ने दुकान में रखे काउंटर से करीब 12,000 रुपए पर हाथ साफ कर दिया। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वीडियो में शातिर चोर 5 मिनट तक दुकान के अंदर घुसकर काउंटर में रुपए लेकर भागने लगा। वहीं सीसीटीवी कैमरे में चोरी की पूरी वारदात कैद हो गई है। सहारनपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर अवैध डोडा पोस्त से भरा एक ट्रक पकड़ा है, जिसमें 1,056 किलो अवैध नशीला सामान बरामद हुआ। साथ ही मौके से 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पकड़ी गई अवैध डोडा पोस्त की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ रुपए आकी जा रही है। साथ ही पुलिस ने तस्करों के पास से अवैध असला और एक फर्जी नंबर भी लगा ट्रक भी बरामद किया है। इसमें थाना कुतुब शहर पुलिस ने एक नशा तस्करों का गिरोह पकड़ा है। 3 व्यक्ति इसमें गिरफ्तार हुए हैं और इनके पास से करीब 11 क्विंटल के लगभग डोडा जो कंटेनर में लदा हुआ था और उसमें सामान और भी लदे थे जिसके अंदर ये छिपाया गया था वो पकड़ा गया है। अगर अंतर्राष्ट्रीय कीमत देखें इस बरामदगी की तो करीब 1 करोड़ रुपये के लगभग है। एक बदमाश इसमें और भी शामिल है जो मौके से भाग गया, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास हो रहे हैं। इस बरामदगी के लिए पूरे कुतुबशहर टीम को जो भी इस टीम में रही है इस गुडवर्क। हरदोई के कासिमपुर थाना क्षेत्र में किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद कमरे में फंदे से लटकता मिला किसान का शव। मृतक किसान के भाई ने बैंक कर्मियों पर उनके भाई को परेशान करने का आरोप लगाया है। इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम में लेकर भेज दिया है। जांच पड़ताल में भी जुट गई है। किस गांव के रहने वाले हैं? कुमेंदान के रहने भाई हैं। छोर शिव कुमार के जो जिन्होंने फांसी लगाई वो आपके कौन थे भाई? कैसे क्या हुआ है? ये बैंक के तो रहते दो ढाई महीने थे तो पैसा निकालने खातिर जाते तो ये हमते बता भैया पैसा नहीं निकल रहा है, रोज दौड़ावती तो हम कहीं हमते सफरे तो नहीं ले तो हम 10,000 रुपया बीन बटोर इकट्ठा की लेके आए नो हम दहीहू नहीं पाए। सीतापुर में भीषण सड़क हादसा हो गया है, जहां अनियंत्रित ट्रक ने राहगीर समेत बाइक सवार कई लोगों को रौंद दिया। इस घटना में एक युवक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है। घायल लोगों को तत्काल सीतापुर जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। वही हादसे की जानकारी मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गए। बिजवार के पास एक लसा के लोग बता रहे हैं, बिजवार के पास एक ट्रक पलटा जिसमें 2-3 लोग चपेट में आए थे। एक ब्रॉड डेड यहाँ पे लाया गया और एक का भी इलाज चल रहा है। फरुखाबाद इकाई में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने राजपुर महाराज जयचंद किला तक जाने वाले रास्ते का नाम बदलने के लिए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उनकी मांग है कि महाराजा जयचंद के किला को जाने वाले रास्ते का नाम बदलकर महाराजा जयचंद मार्ग किया जाए। जिलाध्यक्ष मंथन ठाकुर ने बताया कि महाराजा जयचंद महाराज विजय चंद के पुत्र थे और कन्नौज के राजा थे। ऐसे राष्ट्रभक्त सम्मान करने के लिए मार्ग का नाम बदलकर महाराजा जयचंद मार्ग किया जाना चाहिए। बदायूं के उमाई ब्लॉक में ग्राम हडौरा में 15 से 20 दिन पहले गौशाला बनाने के लिए बीडीओ की तरफ से आदेश दिया गया, लेकिन अभी तक गौशाला का कोई भी काम शुरू नहीं किया गया। जब इसकी जानकारी सचिव से ली गई तो उनका कहना है कि गौशाला बनवाने के लिए लाई गई उधार में आई है, जिसका कोई भी पेमेंट ब्लॉक स्तर से नहीं किया गया। अब कहा जा रहा है कि कब तक ऐसे ही आए दिन गौ माता सड़कों पर घूमती रहेंगी और उनकी हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। आए हुए हैं ग्राम हरौड़ा में मियाँ ब्लॉक पे। आज हम देखते हैं कि गौशाला को लेकर आम जनता खुलेआम परेशान हो रही है, आए दिन एक्सीडेंटों का खतरा बना जा रहा है। जबकि हमने गांव प्रधान की राय ली थी तो गांव प्रधान का ये कहना है हमारे गांव में 400 से 500 गायें हैं, जबकि बजट पास किया गया था गौशाला को 15 दिन पहले बीडीओ द्वारा, प्रधान का ये कहना है, लेकिन अभी तक गौशाला तैयार नहीं की गई। हमने जब इसकी बात सचिव से बात करी तो सचिव का ये कहना है कि हमारे लिए कोई बजट का पैसा नहीं मिला है, ये ईंटें जो हमने मंगाई हैं वो हमने उधार की ईंटें मंगाई हैं। आइए हम दिखाते हैं जो ईंटें और नींव पड़ी हुई खुदी हुई क्या कार्य चल रहा है इस पर।
ऐसे ही गौशाला की लापरवाही की वजह से खेतों में किसानों की फसल बेकार हो रही है और भी कई समस्याओं का समाधान किसान झेल रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी समाधान इसका योगी सरकार द्वारा नहीं निकाला गया है। जबकि एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गौशाला को हर जगह बनाने के आदेश दिए गए हैं, गौ रक्षा की जा रही है, गौ माता की देखभाल की जा रही है, लेकिन बहुत सी लापरवाही प्रधान गाँव नगर पंचायत हर जगह की जा रही है, जिससे आम जनता और किसान बेहद परेशान है। जुड़े रहिए प्राइम टीवी चैनल के साथ, कैमरामैन निवेंद्र। फरुखाबाद इकाई में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने राजपुर महाराज जयचिंद किला तक जाने वाले रास्ते का नाम बदलने के लिए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उनकी मांग है कि महाराजा जयचिंद के किला जाने वाले रास्ते का नाम बदलकर महाराजा जयचिंद मार्ग किया जाए। जिलाध्यक्ष मंथन ठाकुर ने बताया कि महाराजा जयचिंद महाराज विजय चंद के पुत्र थे और कन्नौज के राजा थे। ऐसे राष्ट्रभक्त का सम्मान करने के लिए मार्ग का नाम बदलकर महाराज जयचिंद मार्ग किया जाना चाहिए। हम लोगों ने जिलाधिकारी जी को, जिलाधिकारी जी से माध्यम से मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया है कि ये जो फरुखाबाद जिले में उदरनपुर से कन्नौज जो मार्ग गया है, हाँ, तो उसको जो संयुक्ता मार्ग है उसका नाम बदल के महाराजा जयचंद मार्ग रखा जाए, क्योंकि महाराजा जयचंद हमारे क्षत्रिय समाज के बहुत ही महान शासक रहे और उनने क्षत्रिय समाज के लिए नहीं, देश के लिए, देश की रक्षा के लिए जो बाहर से लोग आए थे जिनने आक्रमण किया और भी बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जो कि सराहनीय है, और हमारे क्षत्रिय समाज की अभी से नहीं, कम से कम 5-10 वर्षों से ये मांग उठा रहे हैं, लेकिन ज्ञापन किसी कारणवश नहीं दे पाए। आज हमने जिलाधिकारी जी को माध्यम से उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।